हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का उसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर टू आर गिवेन बाई एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका, एफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। पहले सीखेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ये हमारा सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको बोलते हैं कि इस पर अगर कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर में तो वो हमेशा इंटीजर देगा हमको, ठीक है। जैसे 2.33 मान लिए तो इसका हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा इंटीजर आता है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इस पर एक सिंपली समझ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा स्मॉल वैल्यू देता है। अगर यहाँ पे आ गया मान लीजिए 5.12, ठीक है, 5.12, तो इसका देगा वैल्यू 5। अगर यही हमारे पास आ गया -2.34 तो ये देगा -3। क्यों -3 क्यों देगा? क्योंकि 2 से छोटा ना होता है -3, ठीक है, इसीलिए देता है। और -1 कुछ रहता तो -2 दे देता, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें बोला है प्रूफ करने कि ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये तो पता ही चल गया ऐसे कि ये 1 1 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर अगर देखिए एग्जांपल ले लिए, 1.32 पुट किए तो भी हमारे पास 1 आएगा, जैसे 1.32 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। इसके अंदर ये पुट किया तो 1 दिया वैल्यू, हमारा रिजल्ट इंटीजर आया। अब इस पर 1.77 पुट किए तो ये भी 1 ही देगा हमको, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, क्योंकि 1 1 के लिए यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दो डिफरेंट एलिमेंट का तो सेम इमेज आ जा रहा है, सेम इमेज आ रहा है ना, तो ये हमारा 1 1 नहीं होगा। तो वही हम लैंग्वेज में लिखें इसको, दस द फंक्शन इज नॉट 1 1 बट इट इज़ मैनी वन होगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। अब देखते हैं ये ऑन टू है कि नहीं। एज ऑल द एलिमेंट ऑफ को डोमेन डज नॉट बिकम रेंज, मतलब को डोमेन मतलब जो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा डोमेन नहीं बन, मतलब रेंज नहीं बन रहा है, तो दस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज रेंज इज इंटीजर, ठीक है, बट डज नॉट गिव फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन रियल नंबर में फ्रैक्शन आता है हमारा, ठीक है ना, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब इसी प्रकार देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर में शो करना है, सो डैट मॉडुलस फंक्शन रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स, ये हमारे पास से ये मॉडुलस का साइन। देखिए ये दो, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये मॉडुलस का साइन है, ठीक है। अब इसी में ये लगा दीजिए तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का हो गया, ये सिंगल लाइन दो तो ये मॉडुलस का साइन। इसे शो करना है कि ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले समझ लेंगे क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है कि अगर कोई भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर मान लीजिए -2 पुट किए तो ये 2 दिया, 2 भी पुट किए तो 2 ही देगा, ठीक है। तो आप इससे भी देख सकते हैं क्या दो डिफरेंट एलिमेंट है ये -2 और 2, लेकिन इसका इमेज सेम आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। ये ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि रियल में नेगेटिव आता है, तो हमारा इस पर नेगेटिव भी आ गया। जैसे 0 1 मान लीजिए, यहाँ -1 ही आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, लेकिन मॉडुलस फंक्शन हमको कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो देता है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। यही चीज़ हम लैंग्वेज में लिखे हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, यही चीज़ समझा दिए यहाँ पे, और लेकिन यहाँ एग्जांपल दूसरा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। हेंस टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा, इसको मेनी 1 बोल सकते हैं, 1 1 नहीं होगा।
और इसमें देखिए ऑल्सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज डोमेन बिकॉज को डोमेन लाइक नेगेटिव, अभी बोले थे ना कि नेगेटिव वैल्यू को डोमेन में होगा, ठीक है, वैल्यूज आर नॉट एलिमेंट ऑफ रेंज, जो नेगेटिव वैल्यू है को डोमेन में उसका जो रेंज होगा, मतलब जो इसका मतलब ये जो रेंज है उसका प्री इमेज नहीं बनेगा, ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसका प्री इमेज रेंज पे नहीं बनेगा। सिंपल में ये समझ लीजिए कि जो प्री मतलब जो इसका कोडोमेन में जो नेगेटिव वैल्यू है उसका इमेज नहीं बनेगा हमारा रेंज पे, ठीक है, तो ये हमारा ऑन टू भी ना होगा। तो हेयर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। सो दैट सिग्नम फंक्शन क्या है, इज नैदर वन वन नॉर ऑन टू। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, इसके बेसिस पे हमको बताना है कि ये ना ही वन वन है ना ही वन टू है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले से गिवन है कि वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स मतलब एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो से मतलब बड़ा जैसे वन टू थ्री कुछ भी जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा वन है, तो वन से इन्फिनिटी तक कहीं पे भी जाइए आप तो उसका वैल्यू वन ही रहेगा, ठीक है। और x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो अगर लेंगे तो जीरो आएगा वैल्यू, x अगर छोटा है जीरो से तो माइनस वन देगा वैल्यू, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही पता चल गया, क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज है, वन से अगर जीरो से अगर कुछ भी बड़ा हमारे पास हम ले रहे हैं तो उसका वैल्यू वन आएगा। जैसे एग्जाम्पल में फंक्शन f में हम ले रही हैं 1.77, तो इसका वैल्यू 1 आएगा क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कुछ भी आप ले रहे हैं फंक्शन में तो वो 1 ही देगा, ठीक है। अब देखिए इस पर 100 भी ले लिए तो भी इसका वैल्यू 1 आएगा, तो ये 1-1 तो नहीं हुआ क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है। अब यहाँ पे हमको बोला x अगर x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तो यहाँ x इक्वल टू 0 लिए तो इसका 0 आएगा, अगर नेगेटिव में कुछ भी ले रहे हैं 0 से छोटा, जीरो से छोटा मतलब माइनस वन ले रहे हैं, माइनस टू ले रहे हैं, माइनस थ्री ले रहे हैं, माइनस फोर ले रहे हैं, माइनस फाइव ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका रिजल्ट आएगा माइनस वन। यहाँ पे दे दिया कि जीरो से छोटा अगर कुछ भी ले लीजिएगा तो आएगा उसका वैल्यू माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो से छोटा ले लिए, जीरो से छोटा माइनस 3.55 तो इसका वैल्यू माइनस वन, यहाँ पे भी जीरो से छोटा लिए तो माइनस वन आया, तो वही एक लैंग्वेज में लिख दिया। दस फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी कंक्लूड दैट सिग्नम फंक्शन इज मैनी वन, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। दस सिग्नम फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब ये वन वन नहीं है। अल्सो ओनली थ्री एलिमेंट डैट इज वन जीरो माइनस वन, ठीक है, फ्रॉम द कोडोमेन, जो कोडोमेन मतलब रियल, यहाँ पे देखिए रियल टू रियल दिया हुआ है, तो रियल में तो हमारा सब चीज आएगा वन माइनस वन जीरो माइनस टू माइनस थ्री, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ तीन ही शो किया गया है, ठीक है। बिकम पार्ट ऑफ रेंज फ्रॉम द कोडोमेन डैट इज रियल नंबर, ठीक है, बिकम पार्ट ऑफ रेंज, रेंज का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे रेंज सबसेट है कोडोमेन का, सबसेट मतलब छोटा एलिमेंट, कोडोमेन का छोटा एलिमेंट है, ठीक है। तो दस द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू डैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ये बताए थे हम। अब देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट ए इज इक्वल टू दिस 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड एफ इज इक्वल टू 1